नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के 5 मई 2022 को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार के ठिकानों पर ईडी की दबिश देखने को मिली थी, जिसके बाद सीए सुमन कुमार के आवास से 19 करोड़ नगद बरामद किए गए थे और झारखंड में ईडी की दबिश मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के देखने को मिली थी, कार्रवाई देखने को मिली थी। आज की अगर अपडेट की बात करेंगे तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य की विशेष पीएमएलए अदालत ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। ऐसे में अब पूजा सिंघल पर आरोपी के तौर पर मामला चलेगा, साथ ही आगे की अदालत में सुनवाई आरोपी के तौर पर होगी। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर पीएमएलए की धारा 304 के तहत ट्रायल होगा। आपको बता दें कि इन दिनों पूजा सिंघल अंतरिम बेल पर है। ऐसे में अब कोर्ट ने ईडी की जांच को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अब इस मामले में ट्रायल किया जा सकता है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी, जहां सुनवाई के बाद पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट ने आरोप गठन कर दिया गया है। आपको बता दें कि ईडी कोर्ट ने बीते 3 अप्रैल को पूजा सिंघल की चार्जशीट पिटिशन को खारिज कर दिया था। साथ ही आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार रांची की ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मनरेगा घोटाले मामले में सुनवाई चल रही है। हालांकि अब पूजा सिंघल इस मामले में हाईकोर्ट का रुख कर सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ 2 महीने का अंतरिम बेल दिया था। सीए सुमन कुमार और खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के ऊपर भी आरोप गठित कर दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों के ऊपर पीएमएलए की धारा 304 के तहत ट्रायल चलेगा। जानकारी हो कि दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। आरोप गठन होने के बाद अब दोनों की के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ट्रायल चलेगा। बता दें कि दोनों अब न्यायिक हिरासत में हैं। सीए सुमन कुमार को जहां एक और गिरफ्तार किया गया, वहीं खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश ने खुद को कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से झारखंड में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, उनकी कार्रवाई देखने को मिल रही है, वहां एक और झटका पूजा सिंघल को यहां पर मिला है। आपको बता दें कि लगातार पूजा सिंघल अभी फिलहाल अंतरिम बेल पर थी, कई शर्तों के साथ वो बेल पर थी, जिसके बाद अब एक और झटका उन्हें यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ईडी की दबिश जिस तरीके से झारखंड में लगातार बढ़ रही है, उसे ये जरूर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के परत दर परत सारी चीज़ें सामने लेकर के आ रही है। कोर्ट में जिस तरीके से तमाम बातें रखी जा रही हैं, कई सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के ईडी की दबिश झारखंड में लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है। जिस तरीके से जानकारी मिली है कि पूजा सिंघल इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट का भी रुख कर सकती है, तो उस दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रही रिपोर्ट पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।